वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अपना पहला बजट पेश किया। इस बजट में वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी रेट में भारी छूट की घोषणा की। सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर लगने वाले 12% जीएसटी रेट को घटाकर अब 5% कर दिया गया है। साथ ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर लिए गए लोन के ब्याज पर सरकार ने 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त इनकम टैक्स की छूट भी दी है। जहां एक तरफ सरकार ने पेट्रोल और डीजल के सेस रेट में 2 रुपए की बढ़ोतरी की, तो वहीं इस बजट में सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर लगने वाले जीएसटी रेट में भारी गिरावट भी की है। इसके साथ ही सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों और इसमें इस्तेमाल होने वाली बैटरी के लिए इंसेंटिव की घोषणा भी की है। ये इंसेंटिव फेम योजना यानी फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल के तहत ही मिलेगा। सीतारमण ने सदन में कहा कि फेम 2 योजना का उद्देश्य सही प्रोत्साहन और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को तेजी से बढ़ावा देना है। उधर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने इसको लेकर एक कमेटी भी गठित की। इस कमेटी ने चरणबद्ध गाड़ी तरीके से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रोल आउट और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री स्थापित करने के लिए एक खाका भी तैयार किया है, जिसके तहत 2023 से सिर्फ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स और 2025 से सिर्फ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स ही बिकेंगे। चीन और अमेरिका के बाद बैटरी वाहन इस्तेमाल करने वाला जापान तीसरा सबसे बड़ा देश है। साल 2009 में जापान ने इनकी बिक्री शुरू हुई, जो करीब आज 1.8 लाख वाहन सड़क पर मौजूद है। 2020 तक 20 लाख गाड़ी लाने का टारगेट भी जापान की है।